अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आर्टिस्टिक मेंटोर चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। मैं हूँ आपका मेंटोर जवाद यूनस, और आज हम सबसे इम्पोर्टेंट टूल पढ़ने जा रहे हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट टूल है। एंड टूल का यूज़ इलस्ट्रेटर में। सो आज मैं आपको पेन टूल के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें हमारे सामने आएगा पेन टूल, एड एंकर पॉइंट टूल आएगा, डिलीट एंकर पॉइंट टूल आएगा और एंकर पॉइंट टूल आएगा। ये सबको मैं डिटेल्स में आपको समझाऊंगा। देन उसके बाद एक एग्जांपल दे के आपको समझाऊंगा कि आपने कैसे इसको यूटिलाइज करना है और कैसे इसको जो है ना आप वर्कआउट इसमें कर सकते हैं पेन टूल पे। अभी हम स्टार्ट करते हैं अपने ट्यूटोरियल की तरफ। जो पेन टूल का यूज़ है वो इधर आपके सामने आ रहा होगा, ये सब ऑप्शन आप इसको इस पर क्लिक करके इस तरह साइड पे ला सकते हैं, ताकि आपकी आसानी से इसको यूज़ कर सकें। हम लोगों ने डिफरेंट ट्यूटोरियल्स पढ़े हैं, आप लोगों ने डिफरेंट ट्यूटोरियल्स पढ़े हैं, जिसमें अरेजर टूल मैंने सिखाया, रोटेट टूल सिखाया, स्केल टूल सिखाया। ये सब टूल जो गुजर चुके हैं उनको मैंने आपको डिटेल्स में सिखाया। तो कई लोग जो है ना मेरा फर्स्ट ट्यूटोरियल देख के कह रहे थे कि जो है ना आपने एक्सप्लेन करके नहीं हमें बताया पेन टूल के बारे में। तो वो जस्ट इंट्रोडक्शन था मेरा फर्स्ट ट्यूटोरियल। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं और आप सीखना चाहते हैं, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप शुरू से मेरे ट्यूटोरियल देखें। चलें हम स्टार्ट करते हैं पेन टूल के बारे में। अगर किसी चीज़ को ट्रेस आउट करना हो तो उसके लिए हम लोग पेन टूल यूज़ करते हैं। पेन टूल फर्स्ट करेंगे, यहाँ से यहाँ मैंने लगा दिया, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। ये तो आप देख रहे होंगे कि यार सीधा सीधा ये पेन टूल कर रहा है, तो इसमें ट्रेसिंग आउट अगर कोई गोलाई आ जाएगी तो उसको कैसे आप ट्रेस आउट करेंगे। तो मिक्सअप करके इन टूल्स को हम लोग यूटिलाइज करते हैं। फर्स्ट करें ये इधर मैंने क्लिक किया, लेफ्ट क्लिक किए रखना है आपने, और इसको मोमेंट करेंगे तो ये रोटेशन आपके सामने दे देगा। जिस तरह भी आपने किसी चीज़ को रोटेट करना है, आगे से भी इसने रोटेशन दे दी। फिर क्लिक किए रखेंगे, उसको ड्रैग आउट करेंगे जिस तरफ आप उसकी रोटेशन चाह रहे हैं। अगर इस तरफ रोटेशन चाह रहे हैं दूसरी तरफ, तो आप इस तरह करेंगे, अदरवाइज आप इस तरह कर देंगे। ओके, फिर आप इस पे मेन पे क्लिक करेंगे और इसको ड्रैग करी जाएंगे जितना भी है, जिस तरह की आपने रोटेशन करनी है उस तरह की आप रोटेशन इसमें कर सकते हैं। ये देखें, ये आपके पास फुल एक फॉर्म बन गई। इसके बहुत आसानी से आप लोग जो है ना पेन टूल के जरिए ट्रेसिंग कर सकते हैं किसी भी चीज़ की। आप वेक्टर, हम जो पेंटिंग्स बनाते हैं, फेस पेंटिंग्स हो गई, या जो दूसरा डिजिटल आर्ट करते हैं, कॉमिक्स करते हैं, उसके अलावा बिजनेस कार्ड्स, फ्लायर्स या प्रोफाइल्स किसी भी बनानी पड़ गई, या आपको बैनर्स डिज़ाइन करने पड़ गए, उसमें जो डिज़ाइन यूज होते हैं ज़्यादातर हम लोग पेन टूल का ही इस्तेमाल करते हैं, या बैकग्राउंड्स बनाने के लिए। तो इस वजह से मैंने आपको कहा था कि पेन टूल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मेरे ट्यूटोरियल को एंड तक देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल आपको समझाऊंगा। मैंने इस ट्यूटोरियल के दो पार्ट्स रखे हैं, है ये ट्यूटोरियल थोड़ा सा बड़ा, लेकिन आपको सीखने में मजा आएगा। पेन टूल ये आपने बना लिया, तो अब चाह रहे हैं कि यार इधर एक और पॉइंट बनाना है जिसको मैंने इस तरह टर्न आउट करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप एड एंकर पॉइंट टूल पे जाएंगे। एड एंकर पॉइंट टूल में इसके ये जो आपको नजर आ रहे हैं ये एंकर है, इसको हम लोग बोलते हैं एड एंकर का मतलब कि एंकर ऐड करें। ये देखें, इधर मैंने क्लिक किया तो मेरा एंकर ऐड हो गया। ओके, उसके बाद डायरेक्ट सिलेक्शन टूल भी आपको मैंने समझाया था, उस पर क्लिक किया आपने, आपने जस्ट मूवमेंट कर दी इसके। ये देखें, एड एंकर पॉइंट टूल का ये फायदा हो गया। इसके कहीं भी आपने अपने पॉइंट्स ऐड करने हों तो आप एड एंकर पॉइंट टूल यूज कर सकते हैं। ओके, डिलीट एंकर पॉइंट टूल का क्या फायदा है? डिलीट एंकर पॉइंट टूल, जिस तरह के इसका नाम बता रहा है, एंकर पॉइंट्स को डिलीट करने के लिए आप डिलीट एंकर पॉइंट टूल यूज करेंगे। इसमें मैंने क्लिक कर दिया, इसमें मैंने किया, ये देखिए इसका एंकर पॉइंट डिलीट कर दिया, ये इसका डिलीट हो गया, ये इसका डिलीट हो गया। ओके, ये इस चीज़ के लिए यूटिलाइज होता है कि डिलीट करने के लिए। और ये वो, तो आपके जहन में आ रहा होगा यार इस चीज़ का क्या यूटिलाइजेशन है। इस चीज़ एंकर पॉइंट का यूटिलाइजेशन ये है,
कि अगर आपने ये सब कुछ कर लिया है तो आप इसको मूवमेंट करना चाहते हैं, मूवमेंट करने के लिए ये आपको बहुत ज़्यादा फायदेमंद मिलेगा। आपको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे जाने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट उसको क्लिक करेंगे, उधर से आप आराम से इसको मूवमेंट कर लेंगे। ओके, यही चीज अगर आपने कोई रेक्टेंगल बनाई हुई है, ओके फर्स्ट टाइम मैंने रेक्टेंगल बना ली, इसमें मैं चाहता हूँ कि यार मैं पॉइंट्स ऐड करूँ और सब कुछ करूँ, ये देखे पॉइंट्स अगर मैं ऐड करना है तो मैंने इसको सिलेक्शन की, पॉइंट ऐड कर दिया, ये भी पॉइंट ऐड कर दिया। फिर जब मैं इसको डबल डायरेक्ट सिलेक्शन से इसको ड्रैग करूँगा तो ये ड्रैग हो जाएगा। ओके, अगर मैं इसको इन जो पॉइंट्स को मैंने बनाया है इनको मैं डिलीट करना चाहूँगा, वो डिलीट एंकर पॉइंट्स से कर लूँगा। ये जो पॉइंट्स होते हैं इनको एंकर पॉइंट्स कहते हैं, जिस तरह पहले भी मैंने आपको बताया। और अगर मैं इनको मूवमेंट करना चाहूँगा तो इसके थ्रू ये देखें कितनी ज़बरदस्त मूवमेंट हो गई, कोई खजल खुआरी करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत मज़े का टूल है और बेस्ट टूल है। अगर आपने कोई भी चीज़ ड्रॉ करनी हो, फर्स्ट करें मैं आपको एक मज़े की चीज़ बना के सिखाता हूँ। ये देखें हम लोग एक कल सा बना लेते हैं, ऐसा कल बना लेते हैं, मतलब कि आप अपनी मर्जी से अगर कुछ भी ड्रॉ करना चाहिए आप कर सकते हैं, कर्ल वगैरह बनाने के लिए। जिस तरह आप डाउन पे देखते हैं कई लोगों ने सर्कल बनाए होते हैं, कई लोगों ने हाफ चीज़ें बना ली, वो इस तरह भी आप यूटिलाइज उसको आराम से कर सकते हैं। या किसी भी चीज़ को ट्रेसिंग के लिए फर्ज करें, ये जो मैंने एंकर पॉइंट, ये मैंने एक टूल बनाया हुआ है, इसको मैं ट्रेस आउट करना चाह रहा हूँ, तो इसको पहले मैं लॉक कर लेता हूँ। लॉक कर लिया मैंने इसको, अच्छा जी अब मैंने ट्रेसिंग करनी है। ये इधर से इधर क्लिक कर दिया, इधर से इधर क्लिक कर दिया, इधर से इधर कर दिया, इधर से इधर कर दिया, इधर से इधर कर दिया। ओके, अभी आप कह रहे हो ये उस तरह तो नहीं मांगा जिस तरह है, क्योंकि ये हमने सिलेक्शन इसको की हुई है ऐसी, इसको हम स्टॉक देंगे, स्टॉक हम दे देंगे इसे 6, नहीं इसे 4 कर देते हैं। ओके, ये हमारे पास ट्रेस आउट हो गया, ड्रॉइंग किया, फिर हमने फिर पेन टूल पकड़ लिया। ये हम लाइन टूल से भी कर सकते हैं, लाइन टूल मैंने जो आपको सिखाया था, लेकिन पेन टूल से करना तो पेन टूल से क्लिक किया और ये लगा दी लाइन और पी प्रेस कर दिया। पी जब प्रेस करेंगे तो आप जरूरत नहीं पड़ेगी किसी चीज़ को कुछ भी करने की, अगर आप उस चीज पर चीज खत्म करना चाहते हैं तो आप पी दबा दें। सर्कल आ गया, एलिप्स इधर मुझे लेना है, क्योंकि जो जिस चीज का काम है वो वही चीज कर सकती है आसानी से। इसको मैं फोल्डर देता हूँ, जिस तरह एज यूजुअल पूरे पूरे उसको देता हूँ और इसको मैं बिल्कुल खत्म कर देता हूँ। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट ये एरिया हमारे पास है, फिर दोबारा पेंटबुल में पकड़ लिया, ये एरिया को पकड़ लिया, ये मैंने बना दिया ये एरिया। शिफ्ट प्रेस किया तो सीधा ही रहेगी आपकी लाइन, अगर आप शिफ्ट नहीं प्रेस करेंगे तो भी आप नहीं कर सकते। शिफ्ट प्रेस किया, क्लिक कर दिया, पी प्रेस कर दिया। ओके, आप इसको क्या करेंगे, एक्सपेंड कर देंगे, एक्सपेंड मीन इसको वेक्टर बना दो, वेक्टर बना दिया। हम लोगों का जो दूसरे वाला है आई वाला, ये सही तरह नहीं हुआ, इसको हमें देखना है। और ओके, फिर दोबारा वापस ले जाते हैं इसको इसी जगह पे, किसी जगह पे इसको वापस। इसको नहीं आ रही, दोबारा से बनाना पड़ेगा आपको। क्लिक किया, शिफ्ट प्रेस किया, ये हो गया, ई प्रेस कर दिया।
उसके बाद एक्सपेंड कर दिया, एक्सपेंड करने से वेक्टर में बन जाएगा। ओके, ये टूल पाथफाइंडर अभी तक मैंने आपको नहीं सिखाया, ये इंशाल्लाह इसके नेक्स्ट ट्यूटोरियल में पाथफाइंडर सिखाऊंगा आपको, लेकिन जस्ट आपको समझाने के लिए मैं इसको जो है ना इसका यूटिलाइज कर लेता हूँ। यूनाइट मैंने कर दिया इसको और ये देख सकते हैं इस तरह का बन गया। तो मीन्स के किसी भी चीज़ को ट्रेस आउट करने के लिए आप पेंटर यूटिलाइज कर सकते हो। ओके, चले चलते हैं हम अपने सेकंड पार्ट की तरफ, जिसमें मैं आपको हमारे पास हम एक लोगो लेके आएंगे गूगल से और उसको जो है ट्रेस आउट करके मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे ट्रेसिंग करनी है और कैसे पेंटून का इस्तेमाल करना है। आम पिक्सल रेटेड पिक्चर को आप ट्रेस आउट करके एक हाई रेजोल्यूशन पिक्चर बना सकते हैं। ज़्यादातर हम लोगों को जो काम मिलता है ये एक $10 का या $20 का मिनिमम हम लोगों को काम मिलता है कि हम लोग जो है कोई लोगो को ट्रेस करके दें और हाई रेजोल्यूशन बना के दें। तो चलो चलते हैं हम लोग गूगल की तरफ, गूगल की तरफ हम लोग चलते हैं जिसमें मैंने ये देखा है, ये लोगो है हमारे पास। मैं इसको सेव कर लेता हूँ और इसको अपनी फाइल पे ओपन कर लेता हूँ। इसको मैंने ट्रेस आउट करना है, ये ट्रेस आउट करना मैं आपको सिखाऊंगा बाय यूजिंग एंड टूल। आप लोगों की ग्रेड्स वगैरह ये चीज़ें ओपन होनी चाहिए ड्यूरिंग ट्रेस आउट। आप कंट्रोल और टैब बटन दबा के इसका जूम इन करेंगे और कंट्रोल ऑल्ट और टैब दबा के आपका जूम इन जूम आउट होगा। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अपने पेन टूल की तरफ। पेन टूल मैंने क्लिक कर लिया, इसको सीक्वेंस बाय सीक्वेंस हम लोग जो है लेके चलेंगे। सबसे पहले इस लेयर को मैं लॉक कर देता हूँ, ये हमारे पास इधर ऑप्शन होती है कि हम इसे लॉक कर सकें। ये मैंने लेयर लॉक कर ली, मैंने एक और लेयर बना ली जिसमें मैं जो है बताऊंगा, जिसमें विद सीक्वेंस मैं जो है ना इसको ट्रेस आउट करूंगा। इधर आप पहले देख लें कि स्टोक हमारे पास ब्लैक है और इधर वाइट कलर है। वाइट कलर को हम लोग ख़त्म कर देते हैं क्योंकि हमने ट्रेसिंग करनी है, इस वजह से हमें स्टोक की ज़रूरत है। स्टोक में हम लोग ऐसा करते हैं कि हम लोग ब्लैक कलर ही ले लेते हैं जो ऑलरेडी है, और हम लोग जो है इसका जो है 1 PT रख लेते हैं जिसमें जो है जो इसका स्टोक का साइज है। चले चलते हैं इसकी ट्रेस आउट की तरफ। वो आपकी चॉइस होती है कि आप कहाँ से ट्रेस आउट शुरू करते हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं जो है ना यहाँ से ट्रेस आउट स्टार्ट करूँ, यहाँ से ये सब इसके विंग्स बना लूँ, वाल बना लूँ, फिर उसके बाद इसके फेस पे आऊँ। इस तरह से मैं स्टार्ट करता हूँ, यहाँ से क्लिक किया मैंने, क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो आपके इस जगह पे आ जाएगा। चलिए हम इसका ट्रेस आउट शुरू करते हैं। हमने ये किया, नेक्स्ट लाइन लगाने के लिए हमने इसको ड्रैग आउट किया, जब ड्रैग करेंगे तो एग्जैक्टली चला जाएगा उस तरह, लेकिन अगर नहीं भी जाता तो आप इसको कंटिन्यूस रखें, बाद में एंड पे हम लोग इसको सेट कर सकते हैं। क्लिक किया, ड्रैग किया, शेप बन गई। क्लिक किया, ड्रैग किया, आल्ट प्रेस करके इसकी शेप को सेट भी किया जा सकता है। ये देखें, आल्ट प्रेस किया मैंने और इसकी शेप को मैंने यहाँ से यहाँ भी कर सकता हूँ, यहाँ से यहाँ मैंने इसको सेट कर दिया। नेक्स्ट लाइन लगाने के लिए ये देखें, आल्ट प्रेस किया मैंने और क्लिक कर दिया, आल्ट प्रेस किए रखना है आपने। ये देखें एडजस्टमेंट इसकी कैसे हो रही है साथ साथ ही, आल्ट प्रेस किए रखा हमने, ये हमारे पास क्लिक हो गया। अभी ये जो शेप आ रही है हमारे पास, हमने इसको ऐसे करना है,
ये हो गया। अब ये मेरे पास से पेन टूल छूट गया है, तो इसको दोबारा कंटिन्यू रखने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं इसी पे क्लिक करूंगा और इसको क्लिक करके ड्रैग आउट करके एक्सेप्ट लगा दूंगा। इधर हमारे पास ऑप्शन होती है लेयर हाइड करने की, ये देखें हमने ये चीज बना ली है। ओके हो गया, एक चीज हम लोग भी बन गई। इसको हम लोग भी लॉक कर लेते हैं, सेकंड लेयर पे आते हैं, नीचे वाली चीज को ड्रॉ करने के लिए। इस पर क्लिक किया, इसको ड्रैग किया, फिर आल्ट प्रेस करके एक्सेप्ट लाइन किया। ओके, थोड़ा थोड़ा करके इसको ट्रेस करते हैं, आल्ट प्रेस किए रखा और इसकी शेप पे लिया, आल्ट प्रेस किए रखा और इसके ऊपर लिया, आल्ट प्रेस किया और इधर ले आए, आल्ट प्रेस करके इस जगह पर ले आए एक्सेक्टली उसी के ऊपर। आल्ट प्रेस करके इसको एडजस्ट किया। नेक्स्ट हमारी ये लाइन आ रही है, इसको हम इस तरह लेके चलते हैं, ये लाइन आ रही है, ड्रैग किया ड्रैग किया ड्रैग किया और ये एक्सेक्ट आ गया। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास दो बन गई शेप्स। इसको लिटिल बिट हम लोग सेट करेंगे बाद में, लेकिन ये हमारे पास दो शेप्स बन गई। देखते हैं कॉपी निकाल के कि तीसरी शेप भी इसी के सेम है या नहीं। जैसा कि हमने देखा इसके सेम ही है, इस वजह से हम लोगों को सब कुछ अलग अलग ट्रेस करना पड़ेगा। नेक्स्ट ट्रेसिंग हम इधर से स्टार्ट करते हैं, इधर से कर लिया क्लिक। छूट गया हमसे पेन टूल, दोबारा रिसेलेक्ट किया पेन टूल को और इसी के लाइन पे आके रख दिया और इधर आके क्लिक कर दिया, ये हमारे पास ये ट्रेस भी हो गया। नेक्स्ट आते हैं और हमारी चॉइस है हम अलग अलग लेयर पे बनाना चाहते हैं या एक ही लेयर में बनाना चाहते हैं। जैसा कि मेरी चॉइस पे है और आपकी भी अपनी चॉइस पे है कि आप अलग अलग लेयर को पे बनाना चाहते हैं या डायरेक्ट ही ओवरऑल ट्रेस करना चाहते हैं। शेप भी होगी ट्रेस, नेक्स्ट आएगा ये वाला हमारे पास शेप, ये वाली शेप को ट्रेस करना है जी से, इसको भी एग्जैक्ट इसी के ऊपर रखा, हार्ड प्रेस करके इसको सेट किया। नेक्स्ट आ गया ये शेप हमारे पास, प्रेस करके हमने इसको एडजस्ट कर लिया। ओके हो गया, नेक्स्ट हम बनाते हैं शेप। ऑल्ट प्रेस करके इसको एडजस्ट किया,
थोड़ा थोड़ा करके देख कर लेते हैं, बैक स्पेस दबा के थोड़ा वापस गए। एडजस्ट कर लिया हमने, लास्ट हम लोग के पास, बल्कि सेकंड लास्ट हमारे पास रह गया है, इसको हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं। एक हमारे पास रह गया, एडजस्ट किया इसको, नहीं हुआ कंट्रोल जी किया। ये सब कुछ हमने बना लिया, ये देखें ये हमारे पास शेप आ गई। नेक्स्ट शेप आती है इसके फेस की शेप पे, इसको लॉक कर लेते हैं। नेक्स्ट अभी फेस बनाने शुरू कर देते हैं, फेस कान वगैरह सब कुछ। इसने ज्यादातर ग्रेडियंट यूज किए हैं, प्रेस करके इसको एडजस्ट किया, इसको थोड़ा सा और राउंड आउट किया। ये हमारे पास शेप बन गई। नेक्स्ट पे आते हैं फेस के वाले टूल पे, इसके साथ ही मर्ज हो रहा है, लेकिन हमें समझ आ रही है कि इसने एक शेप लगा दी हुई है, जिसको एडजस्ट थोड़ा सा करेंगे। नोट किया हमने, फिर छोड़ दिया पेंटर रूम से, दोबारा उस पर सिलेक्शन की, इसको मूवमेंट किया, इसको रोटेट किया, आर प्रेस करके मिसिंग हो गया। फिर इसको करके इस तरह, ये देखें हमारे पास ये शेप बन गई। नेक्स्ट आते हैं, ऐसे करते हैं हम इसकी ब्लॉक की तरफ आ जाते हैं। इसमें इसमें दो तीन टेन टोल्स दिए हैं, उनको कैसे देखना है आपको थोड़ा सा बताऊंगा। इसकी आई को टैकल करते हैं पहले, मूवमेंट की हमने, आई की शेप दे दी इसको। ओके, नेक्स्ट इसके फेस पे आते हैं,
स्कीम मूवमेंट, इसको इधर से कैप्चर कर लिया, इसको ऐसा करते हैं, अच्छा मैं फुली बना लेते हैं एक साथ ही, इसी के ऊपर रख के फुल बनाया, ओके इधर से हमारे पास स्टार्ट हो रहा है फेस तो कर ऐसे, इधर से हम लोग दोबारा रन कर लेते हैं, नीचे येलो लाइन है उसको बाद में ट्रेस आउट किया जा सकता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, जो मेन मेन चीज है उसको पहले लेके चलते हैं। कंट्रोल सी कंट्रोल सी किया, रोटेट किया, स्टेट किया, लिटिल बिट रोटेशन है इधर, स्टेट किया, इधर लिटिल बिट रोटेशन है, इधर रोटेशन है, टैब पकड़ के हम लोग इसकी मूवमेंट ये देखें, ये कर सकते हैं टैब के थ्रू, ओके ये भी हमने कर लिया। अब नेक्स्ट फेस के ये वाला जो पोर्शन है, फेस को इधर से लेते हैं पोर्शन को, इसको लिटिल बिट रोटेट किया, मिसिंग हो गया इसको, नहीं कंट्रोल सी करेंगे क्योंकि हमने एक पोर्शन लेना था, हम उस तरफ गए नहीं, ये आ गया हमारे पास एक पोर्शन, ओके इसको हाफ कर लेते हैं दो हिस्से में डिवाइड, ताकि उसको आराम से हम लोग जब कलरिंग करनी हो तो हो जाए कलर, इसी के ऊपर ऊपर से सुकून से, ओके हो गया, इसको इधर तक लगा सकते हैं, ओके हो गया हमारे पास ये ट्रेस आउट आ गया, ये देखें हमारा हाथ का ये शेप रह गई, जिसको हम लोग ऐसे ट्रेस आउट करेंगे, आर प्रेस करके रखा, इसको इस तरह कर लिया, ये हमारे पास ट्रेसिंग आ गई सामने, आप सोच रहे होंगे ये जो चीज है इसको मैंने कैप्चर नहीं किया, ये एंड पे इसको कर लेते हैं, अभी कलरिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग देख रहे हैं कि इधर दो टोन्स इसने यूज किए हैं, इधर भी इसने दो टोन्स यूज किए हैं, इधर भी इसने दो टोन्स यूज किए हैं, हम लोग स्वेचेस बना लेते हैं, इसको कोई भी कलर दे देते हैं, हमारे पास स्वेचेस की ऑप्शन आ रही होगी, हम अपनी स्वेचेस की ऑप्शन पर लाते हैं, ओके हो गया स्वेचेस की ऑप्शन, हेल्प पे जाएंगे स्विचेस को पहले ऑफ कर लेंगे, स्विचेस को जब ऑन करेंगे इसका मतलब कि हमारी स्विचेस इधर, हाँ ये है स्विचेस हमारी, सबसे पहले हमने ये कलर सेलेक्ट कर लिया, इसके लिए एक स्विच बना लिया, ओके उसके बाद नेक्स्ट कलर जो हमें सेलेक्ट करना है
ये डार्क कलर लेना है, लिटिल बिट इसके एक स्वेच बना लिए, दो कलर की स्वेच हमारे पास बन गई। ये भी आई थिंक सेम है, ये डिफरेंट है, इस पे आ जाते हैं। ये हमारी एक स्वेच बन गई, ये देखें स्वेच बन गए, दो कलर सेम हो गए, तीसरे कलर पे आ गए। ये हमारी स्वेच बन गई, ये इसको भी दोबारा से बना लेते हैं। ये स्वेच बना लिया, ये स्वेच बन गई। ओके कलरिंग स्टार्ट करते हैं, आपको साथ साथ समझ आए, इस तरह से कलरिंग साथ साथ स्टार्ट करते हैं। इनको अनलॉक कर लिया लेयर्स को, इसको मैंने लेयर को सिलेक्ट कर लिया, ग्रेडियंट पे आ गया, मैंने इस पर ग्रेडियंट लगा दिया। ओके फर्स्ट हम लोग के पास कलर स्वेच क्या थी, जो हमने रखी थी वो ये वाली स्वेच थी। ओके और ये कलर, ओके डार्कनेस थोड़ी सी है, ज्यादा डार्कनेस नहीं है। ओके ये हमारे पास लग गई। उसके बाद हम लोग इसकी जो स्टॉक है वो खत्म कर देते हैं। ओके हो गया, ये देखें फ्रेश लग रहा है कलर, नेक्स्ट भी सेम है। ये आ गया, थर्ड वाली ऑप्शन पे आते हैं, इसको भी इसी पे क्लिक कर देते हैं। थर्ड वाली ऑप्शन में हमारे पास ये कलर था, नेक्स्ट कलर सेकेंडरी कलर हमारे पास क्या था, सेकेंडरी कलर ये वाला कलर था। ओके हो गया, एक स्वेच बन गई। फोर्थ पे आ गए, फोर्थ पे भी सेम क्लिक कर लिया हमने और सेम आ गया। ओके नेक्स्ट पे आ गए, डबल क्लिक किया इस पे, ये हमारे पास कलर सामने आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या था, ये कलर था, ये वाला कलर था। ओके मेरे ख्याल इसको थोड़ा साइड पे कर लिया देखने के लिए। ये कलर हमारे पास ये है और इसके बैक पे जो कलर है ये कलर है। ओके नहीं, बैक पे हमारे ये कलर है, साथ साथ हमने इसके स्टॉक भी डबल दोनों को इकट्ठे सेलेक्ट करने का ये है। शिफ्ट प्रेस करके आप लोग सिलेक्ट कर लें, मैंने स्टॉक खत्म कर दी, इसकी भी स्टॉक खत्म कर दी। ओके नेक्स्ट हमारा ये वाला भी हो गया, इसको ये कलर दे दिया पहले को, सेकेंडरी को हमने डार्क कलर दे दिया। सिंपल दूसरे वाले के साथ भी ऐसे ही कर लेते हैं, आपकी मर्जी है कि आप कलर कौन सा रखना देना चाहते हैं, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। चलिए ऐसा करते हैं कि हम लोग इन दोनों को ऐसे ही दे देते हैं, इनकी स्टॉक मैंने ऑफ कर दी। अगर ये कलर सेम होंगे तो ये मर्ज कर जाएंगे इसके साथ, तो इस तरह से और स्वेचेस बना लेते हैं। स्वेचेस वाले पैनल को इधर ले जाते हैं, इसको पकड़ के इधर ले जाते हैं। ये हमारे पास स्वेचेस का कलर सिलेक्ट किया, इसकी ये स्वेच बना ली, ये सिलेक्ट किया, ये स्वेच बना ली। था ये था, इसको वापस ले गया इसकी जगह पे। ये सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया, ये हमारे पास बन गई स्वेच। ओके हो गया,
नेक्स्ट वाले की स्वेच बनाते हैं, ये सिलेक्ट किया ऑरेंज, स्वेच बन गई, आरपीआई, ये स्वेच बन गई, अब इस पे आ गए मेन पे, मेन ग्रेडियंट सिलेक्ट कर लिया, ले लाइट कलर दिया, और इसको डार्क कलर दे दिया, जबकि ये उल्टा होना चाहिए, इस वजह से हम लोग इसको इधर कर लेते हैं और इसको इधर कर लेते हैं, इसको लिटिल बिट ऐसे कर लेते हैं, ओके, इसको स्टॉप सिलेक्ट करके खत्म कर देते हैं, स्टॉप खत्म हो गया। नेक्स्ट ये कलर आ गया, आई ड्रॉपर टूल से आई प्रेस करके ये एक स्वेच बना लिया, ये एक स्वेच बना लिया, मैं ड्रॉप टूल पे सिलेक्ट किया, पहले डार्क कलर कर लिया सिलेक्ट, फिर इसका लाइट कलर कर लिया सिलेक्ट, ओके हो गया। नेक्स्ट हम लोग सेम सेम है, इस वजह से इसको सिलेक्ट करके इसको सिलेक्ट कर लिया, ये हमारे पास ऑप्शन आ गई। नेक्स्ट हमारे पास है येलो कलर, येलो कलर की स्वेच पहले बनाएंगे, सिलेक्ट किया स्वेच को, कोई भी बॉक्स आप ले सकते हैं, ज़्यादा से एक से ज़्यादा बॉक्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अपनी आसानी के लिए मैं एक यूज़ कर रहा हूँ। जब येलो की स्वेच बना ली, एक डार्क येलो पकड़ लिया, इसकी स्वेच बना ली, इधर डार्क येलो है लिटिल वेट, येलो पकड़ लिया, इसकी स्वेच बना ली, डार्क पकड़ लिया, इसकी स्वेच बना ली, ऑरेंज पकड़ लिया, इसकी स्वेच बना ली, लाइट ऑरेंज पकड़ लिया, इसकी स्वेच बना ली, लाइट ऑरेंज पकड़ लिया, इसकी भी स्वेच बना ली, डार्क पकड़ लिया, इसकी भी स्वेच बना ली, ओके, इकट्ठे सारों की बना ली स्वेच, और इस पे आ गया। कलर कौन सा है, येलो कलर है, कंट्रोल सी किया, ये येलो कलर आ गया, ओके, और डार्क ये है तो इससे डार्क इसमें थोड़ा सा ही है, ज्यादा डार्क देने की जरूरत नहीं है, ये तो इस तरह ही है, इसको इधर रख लिया, इधर आके इसकी स्ट्रोक खत्म कर दी। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, नेक्स्ट इसके सेम सेम है, लेकिन 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 इसको थोड़ा सा डार्क दे दिया, ओके, इसको राइट क्लिक किया और ब्रिंग इन टू फ्रंट कर दिया, ब्रिंग इन टू फ्रंट करने का ये फायदा ही ऊपर आ जाएगा, ओके, हमें पता लगे कि हमारी कौन सी शेप कहाँ पे है, ओके हो गया। नेक्स्ट ये वाली शेप है, पहले इसको फिर ग्रेडियंट दे दिया, ये लास्ट वाली ग्रेडियंट है इसके, हो गया, दोनों ग्रेडियंट लगा लिया और इसका स्ट्रोक बंद कर लिया। नेक्स्ट इसका इसका सेकंड लास्ट वाले पे मैंने रखा था, सेकंड लास्ट वाले कौन से, ये कलर इधर आके इसकी मैंने स्ट्रोक खत्म कर दी, इसको इसको सिलेक्ट किया, जैसा कि हमने सीखा था हमारा पाथफाइंडर टूल, पाथफाइंडर टूल में इसको मैंने डिवाइड कर लिया, डिवाइड करने का फायदा ये हुआ, अनग्रुप किया और इसको ऊपर सबके सिलेक्ट करके डिलीट कर दिया, ओके ओके। फिर हम लोग इसको साइड पे कर लेते हैं, लेयर वाले बटन को छुपाते हैं, तो हम ये देख रहे हैं कुछ मिसिंग पीस आ रही हैं, इनको आपने सॉर्ट आउट कैसे करना है, इनको आपने सॉर्ट आउट, इसको नीचे इसको, क्योंकि मैंने जल्दी में ट्रेसिंग किया है इस वजह से थोड़ा सा पूरा है, लेकिन अगर आप सुकून से करेंगे तो आपकी आसानी होगी और आप काम ज़्यादा परफेक्ट कर सकेंगे।
स्पेस है, इस स्पेस को सॉर्ट आउट किया। इसको सिलेक्ट किया, इसको मूवमेंट करके सेट कर दिया, सिलेक्ट किया, इसको मूवमेंट करके सेट कर दिया, इसको सिलेक्ट किया, इसको लिटिल बिट मूवमेंट सेट कर दिया। ओके ओके, हमारा लेयर ऑन की ये कलर सिलेक्ट किया और इसी पे जो है हमारे पास ऑप्शन आ रही थी ये हमने कर दिया ग्रेडियंट का, इसको लो दे दी ग्रेडियंट का। ओके ओके, ये बैक साइड हमारे पास थोड़ी सी रह गई है, बाकी तकरीबन हमारे पास सेट हो गया है सब कुछ। इसका भी रह गया, हाँ कान भी रह गया, कान एरिया को सिलेक्ट किया, ये सेम टू सेम इसके इक्वल है, इसको हमने सिलेक्ट करके इसको सेंटर पे कर लिया। ओके हो गया, अब ये नीचे वाला जो एरिया है उसको हमने कैसे करना है, नीचे एरिया पे इस पर क्लिक किया, एक लेयर बना ली, शेप से ले लेते हैं, इसको बैक पे मैं रख रहा हूँ, इस वजह से मुझे जरूरत नहीं है इसको ट्रेस आउट करने की, क्योंकि वो ऑलरेडी उनके पीछे आ जाएगा, चुप जाएगा। और कलर मैं इसका रख रहा हूँ ये वाला कलर है, ये वाला कलर, तो इस कलर इसको थोड़ा सा डार्क दे देते हैं ताकि थोड़ी डिफरेंशिएशन आ जाए। तो जी नाज़रीन, आपके पास तैयार शुदा जो लिटिल बिट कोताहियाँ हुई हैं उनको आप कैसे सेट कर सकते हैं आपने देखा। इसको डबल क्लिक करेंगे तो आप इसके एंकर पॉइंट को सेट कर सकेंगे, इसका भी डबल क्लिक करेंगे इसके एंकर पॉइंट को सेट कर सकेंगे। के बाद आप देख रहे हैं लिटिल बिट उस तरफ है, इसको ये हमारे पास एक स्ट्रोक है, ये इसको स्ट्रोक इसकी रिमूव कर देते हैं। ये जी हमारे पास ये तैयार है। और अगर आपको मेरा ट्यूटोरियल पसंद आया है तो कमेंट लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ, जो आते हैं उसके हिसाब से दीजिए। अल्लाह हाफिज़।